यूपीएससी प्रिंसिपल के सिक्स टॉपिक में मैं ईश्वर मास्टर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स ये लेटेस्ट टॉपिक है और उम्मीद करता हूं ये जो नाइन्टी क्वेश्चंस हैं आपके सामने इस वीडियो में इनमें से आपके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाएंगे क्योंकि न्यू टॉपिक है यूपीएससी में ये तो लेट्स बिगिन द वीडियो क्वेश्चन फर्स्ट है ऑफिस प्रोसीजर का ऑफिस प्रोसीजर जो आपका है yeah, ये इट इज़ द दिक्सथ टॉपिक ये सिक्स टॉपिक है नया टॉपिक है यूपीएससी में तो वन नाइनटी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये जो नया चैनल है आपका ईश्वर मास्टर लर्न इंग्लिश विद ईश्वर मास्टर इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए ये लास्ट में और कहूँगा आपको और अब कह रहा हूँ लेकिन 190 नाइन्टी क्वेश्चन से आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं यदि मेहनत की है वीडियो में मैंने और आपको लगता है कि रियल में मेहनत हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं तो बिना सब्सक्राइब कर किए चले जाना वीडियो देख के लेकिन वीडियो फुल देखनी है आपने क्योंकि ऑफिस प्रोसीजर पे मैं बिल्कुल सेलेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल पब्लिक सर्विस जो जितनी भी पब्लिक सर्विस हैं उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है मुख्य लक्ष्य है टू मीट द सिटीजन्स नीड टू कंट्रोल इज बिजनेस नो 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 टू इन्हेंस दिटीजन्स नॉलेज अबाउट गवर्नमेंट नो 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 ये भी नहीं है टू मीट सिटीजन्स नीड टू मीट सिटीजन्स नीड एंड फर्दर इन्हेंस देयर वेलफेयर ये बन गया तो व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल पब्लिक सर्विस जितनी भी पब्लिक सर्विस है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है इसका लक्ष्य है टू मीट द सिटीजन्स नीड्स एंड फर्दर इन्हेंस देयर वेलफेयर सिटीजेंस की नीड क्या है और आगे इन्ेंस करना उनकी भलाई के लिए इसको आगे बढ़ाना ये है आपकी पब्लिक सर्विस का मेन लक्ष्य सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोसीजर इज टू अचीव ऑब्जेक्टिव जो है इंट्रोड्यूसिंग ऑफिस प्रोसीजर इज टू अचीव आपके सिलेबस में भी ऑफिस प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया है इसका लक्ष्य क्या है इसका लक्ष्य है एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज फॉर पब्लिक गुड एफिशिएंसी एफिशिएंसी होता दक्षता एंड स्पीड ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज फॉर पब्लिक गुड एफिशिएंसी और स्पीड भाई गवर्नमेंट के कार्यों में गवर्नमेंट के कार्यों में पब्लिक की भलाई के लिए उस ये ऑफिस प्रोसीजर का लक्ष्य है एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज फॉर पब्लिक गुड ये क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ़ इंट्रोड्यूसिंग ऑफिस प्रोसीजर इज़ टू अचीव जो लक्ष्य है ऑफिस प्रोसीजर का उसका वो क्या अचीव करना चाहता है मीन्स इसमें होनी चाहिए एफिशियंसी एंड स्पीड ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज फॉर पब्लिक गुड नेक्स्ट विच इज़ द नोडल एजेंसी इन फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैथड्स विच इज़ द नोडल नोडल एजेंसी जो है इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैथड्स ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में और मैथड्स के फील्ड में एक नोडल एजेंसी होती है हर इंस्टीट्यूशन की तो वो कौन सी एजेंसी है वो एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसिज तो एजेंसी कौन सी है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसिस एजेंसी है ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु ऑफ द फॉलोइंग नीचे कुछ दिए गए हैं जैसे नीचे जो दिए गए हैं वो फॉर्म करते हैं बनाते हैं पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन कौन बनाते हैं प्रेसिडेंट बनाते हैं बिल्कुल बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं बिल्कुल बनाते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं बिल्कुल बनाते हैं क्योंकि सारी शक्तियाँ में है मिनिस्टर्स में और मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर किसको डायरेक्ट करता है किसके डायरेक्शंस पे काम करता है प्रेसिडेंट पे तो ये जो हु ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कौन कौन बनाते हैं तो प्रेजिडेंट भी बनाता है प्राइम मिनिस्टर भी बनाता है और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो आंसर हुआ आपका डी ऑल द अबाउ ऑल द अबाउ विच ऑफ़ द फॉलोइंग फिफ ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर इशूड बाई द प्रेजिडेंट फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गोर्मेंट आर्टिकल सेवनटी सेवन थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक बार फिर सुनेंगे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर इश्यूड कौन कौन से रूल्स जो है इशू किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा प्रेजिडेंट द्वारा फॉर द कन्वीनियन ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस बिजनेस को आसानी से करने के लिए ऑफ़ द गर्मेंट अंडर आर्टिकल सेवनटी सेवन थ्री ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल सेवेंटी सेवन और ब्रैकेट थ्री तो ये क्या है ये है आपका द गवरमेंट ऑफ इंडिया अ लोकेशन ऑफ बिजनेस रूल नाइनटीन सिक्सटी वन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकेशन ऑफ बिजनेस रूल नाइनटीन सिक्सटी वन इसके अंडर में ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स नाइनटीन सिक्सटी वन ये भी है तो बोथ ए एंड भी आ गए इसमें क्या पूछा है इसमें विच ऑफ़ द फॉलोइंग रूल्स आर इशूड बाई प्रेजिडेंट ऑफ

तो डिवीज़न कौन सा नहीं है ये यूनियन डिवीज़न नहीं है सेक्शन भी होता है डिवीज़न भी होती है ब्रांचेस भी होती है लेकिन यूनियन डिवीज़न नहीं है फिर से सुनेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ डिवीज़न ऑफ अ डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट का डिवीज़न कौन सा नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो यूनियन नहीं है यूनियन तो पूरी कंट्री है तो सेक्शन है डिवीज़न है और ब्रांचिज है लेकिन यूनियन नहीं है सेवन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंप्राइज ऑफ जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के उसमें क्या क्या चीज शामिल होती है क्या क्या चीज शामिल होती है उसमें उसमें शामिल होती है आपकी आर्मी हेडक्वार्टर्स नई नावल हेडक्वार्टर नई स्टाफ हेडक्वाटर्स इंटीग्रेटेड हेडक्वाटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या आता है स्टाफ के हेडक्वाटर्स आते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वाटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में स्टाफ हेडक्वाटर्स आते हैं हाउ आर स्टेचुरी बॉडीज एस्टेब्लिश्ड ये जो स्टैचुरी बॉडीज है इनको कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्टैचुरी बॉडी को एस्टेब्लिश किया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर परसेंट शेयर जो होता है हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन अ सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेज सेंट्रल पब्लिक सेंटरप्राइजेज में मिनिमम शेयर कितना होता है तो कितना होता है फिफ्टी परसेंट होता है फिफ्टी परसेंट ठीक है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेज इसमें कितना परसेंट शेयर होता है फिफ्टी परसेंट देयर्स ऑफ सी पी एस ई हेल्ड बाय द गवर्नमेंट आर हेल्ड बाय सी पी एस ई में जो हेयर हैल्ड बाय गवर्नमेंट आर हेल्ड बाय ये किस द्वारा किए जाते हैं ये किए जाते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सी पी एस ई द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन फॉर्मली वेस्ट ऑन हो ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है अपने यूनियन की फॉर्मली वेस्ट ऑन हु ऑफ द फॉलोइंग किसके पास होती है ये सारी शक्तियाँ ये सारी शक्तियाँ होती है प्रेसिडेंट के पास किसके पास होती है प्रेसिडेंट के पास किसके पास होती है सारी शक्तियाँ यूनियन की राष्ट्रपति के पास आपको पता ही है सारी शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति जी के पास होती हैं हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स डज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट उ मनी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स की कितनी कैटेगरीज डिस्टर कंसिस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आती है तो कितनी कैटेगरीज आती हैं भाई तीन कैटेगरी आती, so आती है सोरी है कितनी कैटेगरीज आती हैं हाउ मैनी कैटेगरीज थ्री कैटेगरीज तीन कैटेगरीज होती है नेक्स्ट है हु इज इंचार्ज ऑफ अंग वेन अ वॉक इन अ डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इन टू विंग्स इंचार्ज कौन होता है विंग का जब व्हेन अ वॉक इन अ डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इन टू विंग्स जब डिपार्टमेंट का एक काम डिवाइड किया जाता है विंग्स में तो उस विंग का इंचार्ज कौन होता है उस विंग का इंचार्ज होता है स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी उसका इंचार्ज होता है विच इज़ द लोएस्ट यूनिट इन अ डिपार्टमेंट विद अ वेल डिफाइंड एरिया ऑफ वर्क विच इज़ द लोएस्ट यूनिट लोएस्ट यूनिट कौन सी है इन अ डिपार्टमेंट विद अ वेल डिफाइंड एरिया ऑफ वर्क वेल डिफाइंड एरिया ऑफ वर्क में ये है अ सेक्शन और अ डेस्क वेल डिफाइंड एरिया विच इज़ द लोएस्ट यूनिट सबसे लोएस्ट यूनिट कौन सी ऑफिस प्रोसीजर में किसी डिपार्टमेंट की वेल डिफाइंड एरिया में काम करने में सबसे जो एरिया है लोएस्ट जो यूनिट है वो किसकी है अ सेक्शन और अ डेस्क सेक्शन है या डेस्क है सबसे लोएस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो ये दिए गए हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो एस्टेब्लिश हो रही है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है संवैधानिक बॉडी नहीं है लेकिन भारत के संविधान के तहत उसका वर्णन किया गया है तो वो कौन सी है वो है आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये याद करेंगे अच्छे से ऑफिस प्रोसीजर में आएगा ये भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंट्रोलर एंड कंट्रोलर है ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो हमारा आंसर बना ए और वैसे बॉडी कौन कौन सी है ये तीन है तीनों है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैचुरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय एस्टेब्लिश्ड अंडर द ट्यूट और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेचुरी बॉडी स्टेचुरी बॉडी कौन सी नहीं है एस्टेब्लिश अंडर द स्टेटस और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो एस्टेब्लिश है स्टेटस और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा तो है लेकिन वो स्टेचुरी बॉडी नहीं है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो कौन सी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट क्वेश्चन में फिफ्टीन में और इसमें अंतर है. देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेचुरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टेटस और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई है लेकिन स्टेचुरी बॉडी नहीं है ये क्या है ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है स्टेचुरी बॉडी नहीं है स्टेटरी बॉडी कौन कौन सी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है ये सारी चीज़ें स्टेटरी बॉडी है लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेटरी बॉडी नहीं है एक बार फिफ्टीन क्वेश्चन और देखेंगे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये संवैधानिक बॉडी नहीं है संवैधानिक बॉडी तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है सॉरी स्टेचुरी बॉडी स्टेचुरी बॉडी जो है ये तीनों नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नहीं है समझ गए अब क्लियर हो गए फिफ्टीन और सिक्सटीन एक बार फिर सुन लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल वो तो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है संवैधानिक बॉडी ठीक है और यदि स्टेचुरी बॉडी की बात करेंगे तो स्टेचुरी बॉडी कौन नहीं है स्टेचुरी बॉडी है ये आपकी इलेक्शन कमीशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है संवैधानिक बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुरी बॉडी क्या है तो ये नीचे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड ये सारी स्टेचुरी बॉडी है लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ध्यान से सुन लेना दोनों क्वेश्चन को एक स्टेचुरी बॉडी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ये ये तीनों ये जो तीनों हैं ये स्टेचुरी बॉडी है और ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है ये कैसी बॉडी है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हाउ आर द ऑटोनोमस बॉडीज गिवन हाउ आर द ऑटोनोमस बॉडीज गिवन एनाटोमी टू डिस्चार्ज देयर फंक्शंस ऑटोनोमस बॉडीज गिवन ऑटोनोमी टू डिस्चार्ज देयर फंक्श जो ऑटोनोमी बॉडीज हैं यानी स्वतंत्र संस्थाएँ हैं उनको कैसे स्वतंत्र दे दी गई है कि वो अपने काम स्वतंत्रतापूर्वक करे तो हाउ आर ऑटोनोमस बॉडी ऑटोनोमी टू डिस्चार्ज देर फंक्शन कैसे दिए गए हैं तो इन अकॉर्डेंस विदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन अकॉर्डेंस विदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसके अकॉर्डिंग वो अपने काम कर सकते इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ दीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ दीज सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड बाई एन इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर जो नीचे दिए गए हैं फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ दीज सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड बाई एन इन्फॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर किस द्वारा दिए गए हैं ये ये दिए गए हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड प्रोग्राम्स स्कीम्स सपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेवेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स कैसे सुनेंगे जो नीचे दिए गए हैं विच ऑफ दीज सर्विसेज जो नीचे सर्विस दी गई है इज़ प्रोवाइडेड उनमें से क्या प्रोवाइड की गई है बाई एन इन्फॉर्मेशन किसी इन्फॉर्मेशन द्वारा और फैसिलिटेशन काउंटर द्वारा इन्फॉर्मेशन या फैसिलिटेशन काउंटर द्वारा कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है तो कौन सी कराई जाती है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन जिसके रिगार्डिंग सर्विसेज़ सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है प्रोग्राम्स कराई जाती है स्कीमें बनाई जाती हैं सपोर्टेड किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेवेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स और उससे संबंधित रूल्स एंड प्रोसीजर्स तो ये है इसमें स्टेट द फंक्शंस ऑफ अ डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर इन द सेक्टरी सेक्रेट्रिएट सेक्रेट्रीट की इंग्लिश में स्पेलिंग भी चेक कर लेना एस सी सी आर ई टी ए आर आई ए टी एस ई सी एस ई सी आर ई टी ए आर आई ए टी सेक्रेट्रीट इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश लर्न इंग्लिश ग्रामर विद ईश्वर मास्टर में आपको हिंदी इंग्लिश की भी कंप्लीट वीडियोज़ मिलेंगी आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जाके तो और यू पी एस सी प्रिंसिपल का मैटर तो मैं डाल ही रहा हूँ आपके साथ आई एम ऑल्सो प्रिपेरिंग फॉर द सेम मैं भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए तो स्टेट द फंक्शन ऑफ अ डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर इन अ सेक्रेट्रीट सेक्रेट्रीट में डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर का क्या काम है उसका काम है एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्रेटरी सेक्रेटरी एंड डिस्पोज ऑफ केसिज एज पर द पावर्स डेलीगेटेड और एज पर द चैनल्स ऑफ सबमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्रेटरी सेक्रेटरी के भी आप पे काम करना एंड डिस्पोज द पावर्स डेलीगेटेड और एज पर द चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट ये डायरेक्टर का और डिप्टी डायरेक्टर का वर्क है हु इज इन दू इज हु इज इन चार्ज ऑफ अ ब्रांच इन अनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेक्शन या यूनिट्स किसी ब्रांच का मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट का इंचार्ज कौन होता है कौन होता है इंचार्ज अंडर सेक्रेटरी ये क्वेश्चन आएगा चेक कर लेना आप ये ऑफिस प्रोसीजर में ये क्वेश्चन आएगा चेक कर लेना आप हु इज इन चार्ज ऑफ ब्रांच इन अ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग तो ऑफ वन और मोर सेक्शन या यूनिट्स जिस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री में एक से अधिक सेक्शन या यूनिट होते हैं उसका इंचार्ज कौन होता है उसका इंचार्ज होता है अंडर सेक्रेटरी कौन होता है अंडर सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी वट आर द फंक्शंस ऑफ द डेस्क ऑफिसर इन द सेक्रेट्रिएट ऑफ अ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में डेस्क ऑफिसर के सेक्रेट्रियट में डेस्क ऑफिसर के काम क्या क्या है क्या क्या कार्य हैं क्या क्या कार्य हैं ही एग्जामिन एंड सबमि सबमिट्स केसेज इंडिपेंडेंटली वो एग्जामिन करता है सबमिट्स करता है केसेज इंडिपेंडेंटली टू द नेक्स्ट हायर ऑफिसर के लिए एंड ऑल्सो साइंस ऑर्डर्स फाइनेंशियल सेक्शंस एंड अफर्म एफिडेविट इन कोर्ट्स तो कोर्ट वगैरह में वो एफिडेविट भी साइन करके देता है फाइनेंशियल सेक्शंस पे काम करता है ऑर्डर पे साइन करता है हायर ऑफिसर्स के लिए कार्य करता है तो ये क्या है ये डेस्क ऑफिसर के कार्य है सेक्रेट्रियट में मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट में क्या है ही एग्जामिनस एंड सबमिट्स केसेस इंडिपेंडेंटली टू द नेक्स्ट हायर ऑफिसर एंड ऑल्सो साइंस ऑर्डर फाइनेंशियली सेक्शंस एंड अफर्म एफिडेविट्स इन कोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पर्सनल स्टाफ और ऑफ ऑफिसर जो पर्सनल स्टाफ ऑफ ऑफिसर होता है उसका कार्य क्या नहीं है क्या नहीं है उसका कार्य है उसका कार्य है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग स्टाफ ट्रेनिंग या हेल्पिंग देम ये उसका कार्य नहीं है उसका कार्य क्या है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ पर्सनल स्टाफ ऑफ ऑफिसर ऑफिसर के पर्सनल स्टाफ का कार्य क्या है पहले तो ये देख लो मेंटेनिंग एंगेजमेंट डायरी एंगेजमेंट डायरी मेंटेन करना मैनेजिंग टूअर्स टूअर्स मैनेज करना बीइंग अवेयर ऑफ की परफॉर्मेंस एरियाज ये भी उसे पता होना चाहिए बीइंग अवेयर ऑफ की परफॉर्मेंस एरियाज लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग स्टाफ वो नहीं कर सकता डिस्ट्रीब्यूशन वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ के बीच में ट्रेनिंग या हेल्पिंग डैम ये नहीं कर सकता वो पर्सनल स्टाफ ऑफ ऑफिसर ऑफिसर का जो पर्सनल स्टाफ है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऑफिसर डिस्ट्रीब्यूट करेगा वर्क को ट्रेनिंग ऑफिसर करेगा और हेल्प करेगा लेकिन वो पर्सनल स्टाफ ऑफ ऑफिसर का कार्य क्या है उसका कार्य मेंटेनिंग एंगेजमेंट डायरी मैनेजिंग टूअर्स और बींग अवेयर ऑफ की परफॉर्मेंसेज वट आर द पोस्ट डेजिग्नेट एज एम टी एस एम टी एस मल्टी टास्किंग स्टाफ तो एम टी एस की फुल फॉर्म भी आ सकती है एम टी एस होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ तो वट आर दोस्ट डेजिग्नेटिज एज एम टी एस एम टी एस में कौन सी पोस्ट होती है एम टी एस में होती है आपकी मल्टी टास्किंग स्टाफ में वो होती है एरस्ट वाइल ग्रुप डी पोस्ट ग्रुप डी की पोस्ट होती है एमटीएस में किसकी पोस्ट होती है ग्रुप डी ये मत कहना कि पी है चौकीदार ये सारे आ जाते हैं ग्रुप डी में पी चौकीदार सफाई वाला ये है? ये ये ठीक है ग्रुप डी में आते हैं तो एस्ट वाइल ग्रुप डी पोस्ट एस्ट वाइल ग्रुप डी पोस्ट ब्लैंक इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ही इज़ द प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ द मिनिस्टर ऑन मैटर्स ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रिंसिपल एडवाइज़र है मिनिस्टर्स का ऑन मैटर्स ऑफ पॉलिसी किसी नीति पॉलिसी के मैटर्स पे एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रशासकीय कार्यों पर तो वो कौन है कौन है वो तो वो है आपका सेक्रेटरी सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है सेक्रेटरी क्वेश्चन भी आ सकता है सेक्रेटरी जो है किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है सेक्रेटरी ही इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर मुख्य सलाहकार भी है मिनिस्टर्स को ऑन द मैटर्स ऑफ पॉलिसी पॉलिसी बनाने के भाई एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो वो कौन है सेक्रेटरी हु विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हु विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कौन है टू द हाउस ऑफ पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री फॉर्म में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कौन है मुख्य रूप से सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल कौन है तो सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जवाब दे होती है प्राइम मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह होता है प्रेसिडेंट को लेकिन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसी कार्य को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो कौन होती है वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो हु विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारी शक्तियाँ होती हैं मंत्रियों के हाथ में सारी शक्तियाँ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है. च मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट विच मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इज़ टू बी कंसल्टिड फॉर इकोनॉमिक मैटर्स कोई कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है कंसल्टिड फॉर इकोनॉमिक मैटर्स इकोनॉमिक मैटर्स के लिए कौन सी मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को लगाया जाता है तो वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था ना योजना आयोग तो योजना आयोग जो था वो अब क्या बन गया है वो बन गया है नीति आयोग ठीक है 2010 या 16 से ऐसा है दिए चेक कर लेना तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसको बोलते हैं नीति आयोग नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आ सकती है तो विच मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इज टू बी कंसल्टेड फॉर इकोनॉमिक मैटर्स इकोनॉमिक मैटर्स जो आर्थिक मैटर्स जो हैं उनसे उन मैटर्स उन के लिए किसकी सलाह ली जाती है किसकी सलाह ली जाती है नीति आयोग की सलाह ली जाती है नीति आयोग किसकी सलाह नीति आयोग की सलाह विच इज द अल्टीमेट अथॉरिटी हुज कंसेंट इज रिक्वायर्ड इन लेजिस्लेटिव मैटर्स अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है संवैधानिक सारी शक्तियां किसके पास है ठीक है तो वो प्रेजिडेंट हमारे राष्ट्रपति जी हैं सबको पता है ये तो आपको प्रेजिडेंट कौन है वो प्रेजिडेंट हु हाउस ऑफ द पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस हाउस के प्रति जिम्मेदार किसकी होती है तो किसकी होती है जिम्मेदारी फिर आ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं हाउस ऑफ द पीपल इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारी शक्तियां जो होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में होती है और उनको रिप्रेजेंट करता है फिर आपका प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो ये ध्यान रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज इज पावर ओन द एडवाइस ऑफ जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है अपनी शक्तियों पे कार्य करता है किसकी सलाह पे ये भी आपको पता है किसकी सलाह पे कार्य करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रियों के समूह और जिसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनका मुखिया प्रधानमंत्री और इनकी सलाह पे प्रेजिडेंट जो है अपनी शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग करता है वैन इज़ द कनकरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स नाइनटीन सिक्सटी वन पहले तो ये पता कर रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस का जो रूल है वो है नाइनटीन सिक्सटी वन ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनस नाइनटीन सिक्सटी वन वैन इज़ द कनकरेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट कब होता है कॉन्करेंस अदर डिपार्टमेंट का रिक्वायर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है द सिक्सटी वन मोर सिक्सटी वन ये होता है सब्जेक्ट ये जब कोई संबंधित हो एक से अधिक डिपार्टमेंट को व्हेन सब्जेक्ट कंसर्स मोर देन वन डिपार्टमेंट वाई आर सेक्शंस डेस्क एनकरेज टू डेवलप एंड अपडेट टूल्स ऑफ अकनोले नॉलेज मैनेजमेंट वाई आर सेक्शंस और डेस्क एनकरेज कोई सेक्शन या डेस्क एनकरेज किए जाते हैं टू डेवलप एंड अपडेट टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट तो किस कब कब किए जाते हैं ये ये टू इंस्टीट्यूशनलाइज आ परसन इंडिपेंडेंट To institutionalize a person independent information system for retention of knowledge. To institutionalize a person independent information system for retention of knowledge. होूज इंस्ट्रक्शन आर टू भी फॉलोड बाई द सेक्रेटरी ऑफ अर डिपार्टमेंट किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाते हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट वैन डिसीजनस बियरिंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन्स दैट आर बियउंड डेलीगेटिड पावर्स आर टू भी टेकन होज इंस्ट्रक्शन आर टू भी फॉलोड बाई द सेक्रेटरी ऑफ आर डिपार्टमेंट वैन डिसीजनस बियरिंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जब डिसीजन्स में आता है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन्स दैट आर बियोन्ड द डेलीगेटिड पावर्स आर टू भी टेकन जो उनकी दी गई शक्तियों से परे हैं तो तब किस तरह के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा तो किस तरह के हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हुज इंस्ट्रक्शंस आर टू बी फॉलोड बाय द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कब वन डिसीजन बियरिंग फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जब फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होगी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री सबको पता है ये तो हुज गाइडलाइंस आर टू बी अडोप्टेड फॉर डिसीजन रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ कमेटी ऑफ सेक्रेटरिएट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द कैबिनेट किसकी गाइडलाइन को अडोप्ट किया जाता है डिसीजन बनाने में किसकी गाइडलाइन को तो कैबिनेट सेक्रेटरीट की कैबिनेट सेक्रेटरीट की गाइडलाइंस को हुज गाइडलाइंस आर टू बी अडोप्टेड किसकी गाइडलाइन को अडोप्ट किया जाता है तो कैबिनेट सेक्रेटरीट में गजट आता है ना गजट नोटिफिकेशन होता है जो तो उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है फॉर डिसीजन रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और द कैबिनेट किसकी होती है ये कैबिनेट सेक्रेटरीट हु रिसीव अ डाक वेन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये भी हु विल रिसीव अ डाक वेन द एड्रेस ही ऑफिसर इज ऑन लीव टूअर रिटायर्ड या ट्रांसफर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया ये आएगा ये भी चेक कर लेना आप हु रिसीव अ डाक कोई डाक आई है तो उसको रिसीव कौन करेगा जिसको एड्रेस की गई है वो ऑफिसर या तो लीव पे है या टूअर पे है या रिटायर हो गया या उसका ट्रांसफर हो गया तो उस डाक को रिसीव कौन करेगा कौन करेगा उस डाक को रिसीव उसको करेगा हिज सक्सेसर उसके बाद वाला हिज पर्सनल स्टाफ ये भी द लिंक ऑफिसर ये भी कर सकता तो एनी ऑफ द अबो जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से कोई भी एक कर सकता है यानी इनमें से कोई भी हिज सक्सेसर उसके बाद वाला ऑफिसर हिज पर्सनल स्टाफ का मेंबर और द लिंक ऑफिसर ये कोई भी एनी ऑफ द अबो इस डाक को रिसीव कर सकता है विच कैटेगरी ऑफ डाक विल बी रिसीव्ड बाय द एड्रेसी हिमसेल्फ किस तरह की कैटेगरी डाक की, की रिसीव की जाएगी जिसको एड्रेस की गई है वो हिमसेल्फ एट इज रेजिडेंस आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स अंडर इंटीमेशन इन एडवांस ठीक है तो किस तरह की कि डाक होती है भाई वो वो डाक होती है डाक मार्क्ड एज इमीडिएट एंड एड्रेस्ड बाय नेम जिस डाक पर इमीडिएट मार्क किया गया हो और बाय नेम वो पहुँचाई गई हो तो बाय नेम यदि डाक होगी तो वो डाक रिसीव की जाएगी जिसको भेजी गई है जिस एड्रेस ही को डाक भेजी गई है ना बाय नेम डाक और माक की गई है इमीडिएट जिस पे इमीडिएट मार्क की गई हो और बाय नेम वो डाक हो वो ऑफिसर जिसके नाम डाक गई है वही उसको रिसीव करेगा चाहे वो घर पे है बाहर है टूअर पे है कहीं भी है हु विल डाउनलोड कम्युनिकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल्स एंड फॉरवर्ड टू सेंट्रल रजिस्ट्री कौन डाउनलोड करेगा कम्युनिकेशन रिसीव्ड थ्रू ईमेल्स जो ईमेल्स के माध्यम से मिली है एंड फॉरवर्ड टू सेंट्रल रजिस्ट्री और सेंट्रल रजिस्ट्री को फॉरवर्ड करेगा तो वो कौन करेगा सेंट्रली बाय अ डेजिग्नेटेड पर्सन सेंट्रली बाय अ डेजिग्नेटेड पर्सन जो पर्सन इसके लिए डेजिग्नेटेड किया जाएगा अपॉइंटेड किया जाएगा इससे संबंधित होगा तो हु विल डाउनलोड कम्युनिकेशन रिसिव्ड थ्रू ईमेल्स एंड फॉरवर्ड टू सेंट्रल रजिस्ट्री तो वो कौन होगा वो होगा सेंट्रली बाय अ डेजिग्नेटेड पर्सन वॉइस शुड कम्युनिकेशन रिसिव्ड थ्रू फैक्ट्स बी इमीडिएटली फोटोकॉपीड जो कम्युनिकेशन रिसीव की जाती है फैक्स के माध्यम उसको उसको इमीडिएटली फोटोकॉपी क्यों किया जाना चाहिए क्यों किया जाना चाहिए फैक्स मैसेजेस फेड विद पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि फैक्स मैसेज जो है वो धुंधले पड़ जाते हैं पैसेज ऑफ टाइम के साथ बहुत अच्छा क्वेश्चन है फैक्स मैसेजेस फेड विद पैसेज ऑफ टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग डार्क इज टू बी डील्ट विद फर्स्ट सब किस तरह की डाक को सबसे पहले डील किया जाना चाहिए किस तरह की डाक को सबसे पहले डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग जिस डाक पे अर्जेंसी अर्जेंसी लिखा हो डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग वट इज टू बी चेकड बाय द सी आर यू या आई एफ सी ओन ओपनिंग ऑफ अ डाक सी आर यू या आई एफ आई जो है वो चेक क्यों की जानी चाहिए किसी डाक को खोलने से पहले क्यों की जानी चाहिए चेक द एनक्लोजर एंड इंडिकेट एनी मिसिंग आइटम ऑन द डाक इससे ये पता चलता है कि एनक्लोजर क्या क्या है एंड इंडिकेट एनी मिसिंग आइटम ऑन द डाक इंडिकेट कर सकते हैं कोई मिसिंग आइटम तो नहीं है डाक पे तो ये डाक खोलने से पहले ये चेक की जानी चाहिए हाउ कैन अ डार्क बी आइडेंटिफाइड इजिली वैन इट इज मेंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हाउ कैन अ डार्क बी आइडेंटिफाइड ईजिली कैसे एक डाक को आइडेंटिफाई किया जाएगा ईजीली वन इट इज़ मेन्टेंड इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इसको मेनटेन किया जाएगा तो ये डाक कैसे ईजीली बाय द यूनिक नंबर जनरेटड बाई द ई ऑफिस सिस्टम यूनिक नंबर जनरेटड बाई द ई ऑफिस सिस्टम बाय द यूनिक नंबर जनरेटड बाय द ई ऑफिस सिस्टम ई ऑफिस सिस्टम से एक यूनिक नंबर होता है उससे इस डाक को पहचाना जाएगा वेन अ डाक इज ग्रेडिड एज अर्जेंट जब डाक पे लिखा जाए ग्रेड दी जाए कि अर्जेंट आई है एंड सेंट टू एन ऑफिस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स बट द मिनिस्टर एंड अदर ऑफिसर्स आर नॉट इन पोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल भी टेकन जब एक डाक को अर्जेंट लिखा जाता है और उसको ऑफिस आवर्स में भेज दिया जाता है बट द मिनिस्टर जो मिनिस्टर इसे संबंधित है या ऑफिसर्स आर नॉट इन पोजिशन वो इस पोजिशन में नहीं है कि उसका जवाब दे सके या उसको रिसीव कर सके विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन तो फिर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा उठाया जाएगा किस तरह का कदम द सी आर यू विल रिसीव सबसे डास्ट कौन रिसीव करेगा सी आर यू ठीक है कौन उस अर्जेंट डाक को कौन रिसीव करेगा सी आर यू सी आर यू हु विल रिसीव ओल डाक इंक्लूडिंग दोज एड्रस्ड टू मिनिस्टर्स कौन रिसीव करेगा हु विल रिसीव ओल डाक इंक्लूडिंग दोज एड्रेस्ट टू मिनिस्टर्स ऑफिसर्स बाय नेम जो ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स को बाय नेम एड्रेस की गई है तो उन डाक को रिसीव करेगा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट उसको रिसीव करेगी इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर उनको रिसीव करेगा जो मिनिस्टर्स को बाय नेम भेजी जाएगी अ डाक विद अ डाक विद वट काइंड ऑफ ग्रेडिंग इज सेंट एक डाक किस तरह की ग्रेडिंग से भेजी जाती है थ्रू स्पेशल मैसेंजर डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री ऑफिसर्स वो उस डाक का क्या नाम है जो भेजी जाती है स्पेशल मैसेंजर के थ्रू डायरेक्टली टू द मिनिस्टर या ऑफिसर को उस डाक को उस डाक को कहेंगे डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग डाक विद अर्जेंसी ग्रेडिंग कम्युनिकेशन रिसीव्ड बाय ईमेल एड्रेस टू मिनिस्टर्स विल बी कम्युनिकेशन जो रिसीव किया जाता है मिनिस्टर्स द्वारा ईमेल एड्रेस टू मिनिस्टर्स विल बी विल बी उसको क्या किया जाएगा उसको किया जाएगा डाउनलोडेड बाय देम और डाउनलोडेड बाय देयर पर्सनल स्टाफ वो मिनिस्टर्स द्वारा भी डाउनलोड किया जा सकता है और उनके पर्सनल स्टाफ द्वारा भी तो आंसर क्या हुआ एनी ऑफ द अबोव एनी ऑफ द Communication received by email address to ministers will be downloaded by them, yeah, downloaded by their personal staff. वट इज द एक्सपेंसन ऑफ सी आर यू सी आर यू की फुल फॉर्म बता दो भाई सी आर यू सी आर यू ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी आर यू की फुल फॉर्म सी आर यू सी आर यू सी आर यू है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट सी आर यू की फुल फॉर्म क्या है ये क्वेश्चन आएगा नोट कर लेना सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट इन ई फाइल ऑल फिजिकल डाक इर ऑफ वेदर द डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड विल बी रिसीव्ड थ्रू ई फाइल में ऑल फिजिकल डाक इर ऑफ वेदर द डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड ये नहीं है कि कि डिपार्टमेंट फिजिकल मोड में काम कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मोड में विल भी रिसिव थ्रू उस डाक को कैसे रिसिव किया जाएगा उस डाक को रिसीव किया जाएगा ई e ऑफिस के माध्यम से ई e ऑफिस द्वारा विल बी रिसीव्ड थ्रू ई ऑफिस इन ई फाइल देखो ई e फाइल है ऑल फिजिकल डाक इन रिस्पेक्टिव वेदर डिपार्टमेंट इज वर्किंग इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड विल बी रिसीव्ड थ्रू ई ऑफिस ई डाक है ई e फाइल है तो ई ऑफिस और रिसिप्ट नंबर जनरेटेड फॉर अ डार्क कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसिप्ट नंबर जनरेट किया जाएगा फॉर अ डाक उसमें क्या होता है रिसिप्ट नंबर में क्या होता है और यूनिक नंबर भी होता है और सेक्शन कोड भी होता है यूनिक नंबर भी होता है रिसिप्ट नंबर जनरेटेड फॉर अ डाक कंटेंट्स यूनिक नंबर और सेक्शन कोड तो आंसर बन गया बहुत ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक का मोड कौन सा नहीं है माध्यम कौन सा नहीं है कौन सा माध्यम नहीं है यह नहीं है मैनुअल मोड मैनुअल मोड पे नहीं होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक कैसे नहीं होगा मैनुअल मोड पे नहीं होगा फिजिकल मोड पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ट्रांजिशन मोड पे लेकिन मैनुअल मोड पे डाक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा मैनुअल मोड व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू एन अंडर सेक्रेटरी फॉर डिसाइडिंग ऑन अलोकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड रिसिप्ट ऑन आ सेक्शन तो व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू एन अंडर सेक्रेटरी टाइम लिमिट क्या है अंडर सेक्रेटरी फॉर डिसाइड डिसाइडिंग ऑन अलोकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड रिसिप्ट इन अ सेक्शन तो टाइम लिमिट क्या है डिस्प्यूटेड रिसिप्ट से रिलेटेड तो टाइम लिमिट क्या है टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए व टू वर्किंग डेज दो दिन में निपटा देना चाहिए काम तो व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू एन अंडर सेक्रेटरी फॉर डिसाइडिंग ऑन अलोकेशन ऑफ डिस्प्यूटेड रिसिप्ट इन अ सेक्शन वो है टू वर्किंग डेज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नीड नोट बी रजिस्टर्ड एट एंट्री लेवल किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर नहीं किया जाना चाहिए एंट्री लेवल पे किस तरह के तो ये है कैजुअल एप्लीकेशन को कोई रजिस्टरी नहीं करता आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ़ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन की आइडेंटिटीज़ कॉपी को रिसीव नहीं किया जाता रजिस्टर नहीं किया जाता कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम जो एम पी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट से कम्युनिकेशन रिसीव होती है उनको रजिस्टर नहीं किया जाता कि भाई फ़लाँ फलां एम पी का फ़ोन आया था ये काम करना है इनको रिसीव रजिस्टर नहीं किया जाता ओल द वो तो आंसर क्या बना हमारा ओल द वो तो कैजुअल लीव एप्लीकेशन को रजिस्टर नहीं करना चाहिए आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन रिसिव्ड फ्रॉम एम पीज इनको रजिस्टर नहीं किया जाना चाहिए वाई आर द रजिस्टर्स मेंटेन्ड एट वेरियस लेवल्स लाइक सी आर यू रजिस्टर सेक्शन रजिस्टर एंड द पर्सनल सेक्शन और स्टाफ रजिस्टर नोट मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट क्यों नहीं किया जाता भाई इनको इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट मेंटेन क्यों नहीं किया जाता इन रजिस्टर्स को क्योंकि द सिस्टम सेव्स द डाटा एंड सर्च एंड रिट्रील प्रोसेसिज आर डन बेस्ड ऑन द डाटा इसलिए क्योंकि सिस्टम जो है सेव कर लेता डाटा एंड सर्च एंड रिट्रील प्रोसेसिज आर डन बेस्ड ऑन द डाटा तो वाई आर द रजिस्टर्स मेंटेन्ड एट वेरियस लेवल्स लाइक सी आर ई रजिस्टर सेक्शन रजिस्टर एंड पर्सनल सेक्शन और स्टाफ रजिस्टर नॉट मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट में उनको मेंटेंड नहीं किया जाता <coughs> तो सिस्टम सेव्स द डाटा एंड सर्च एंड रिट्रीवल प्रोसेस इज आर डन बेस्ड ऑन द डाटा क्योंकि सिस्टम उस डाटा को सेव कर लेता है और रिट्रीवल प्रोसेस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा वट इज ट्रांजिशन मोड अभी ऊपर कर रहे थे ना ट्रांजिशन मोड ट्रांजिशन मोड तो ट्रांजिशन मोड क्या है वट इज ट्रांजिशन मोड तो प्रोसेसिंग ऑफ रिसिप्ट एंड फाइल डन फिजिकली एंड ट्रैकिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मोड ये क्वेश्चन रट लेना आप हंडर्ड परसेंट आएगा ये क्वेश्चन आपका हंडर्ड परसेंट आएगा ये सौ परसेंट ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ट्रांजिशन मोड तो मैं भी लर्न कर रहा हूँ आपके साथ ट्रांजिशन मोड क्या है प्रोसेसिंग ऑफ रिसिप्ट रिसिप्ट की प्रोसेसिंग एंड फाइल्स डन फिजिकली प्रोसेसिंग रिसिप्ट की फाइल की प्रोसेसिंग तो फिजिकली की जाती है और ट्रैक किया जाता है डन इलेक्ट्रॉनिकली उसको ढूंढा जाता है कि फाइल कहाँ पहुँची है ट्रैकिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मोड ट्रांजिशन मोड इन ई फाइल सिस्टम हाउ इज एक्नोलेजमेंट ऑफ अ डाक डन ऑटोमेटिकली इन ई फाइल सिस्टम हाउ इज एक्नोलेजमेंट ऑफ अ डाक डन ऑटोमेटिकली ई फाइल सिस्टम में हाउ इज एक्नोलमेंट डन ऑफ अ डाक ऑटोमेटिकली ई फाइल सिस्टम में ई फाइल सिस्टम में एक्नोलेजमेंट ऑफ डाक डन टोमैटिकली ऑटोमैटिकली कैसे होता है एक्नोलिजमेंट ऑफ डाक का कैसे होता है थ्र्यू एस एम एस एंड ई मेल इफ मोबाइल नंबर एंड ई मेल एड्रेस ऑफ द सेंडर आर फिल्ड इन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन थ्र्यू एस एम एस एंड ई मेल इफ़ मोबाइल नंबर एंड ई मेल एड्रेस ऑफ द सेंडर आर फिल्ड इन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन इन ई फाइल सिस्टम हाउ इज़ एक्नोलेजमेंट ऑफ डाक डन ऑटोमेटिकली ई फाइल सिस्टम में एक्नोलेजमेंट ऑफ डाक कैसे अपने आप हो जाता है थ्रू एस एम एस ई मेल इफ़ मोबाइल नंबर एंड ई मेल एड्रेस ऑफ द सेंडर आर फिल्ड इन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के दौरान यदि ई मेल एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह फिल किए हो तो वो अपने आप हो जाता है ये कार्य है वॉइस शुड कम्युनिकेशन थ्रू ई मेल्स भी एनकरेज ई मेल्स के माध्यम से कम्युनिकेशन को एनकरेज क्यों किया जाना चाहिए टू फैसीिटेट क्विककर डिस्पैच डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन टू फैसीटेट क्विककर डिस्पैच डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन टू होम शुड टू होम शुड द डिस्प्यूटिड रिसिप्ड और ई मेल्स रिसिव्ड बाय अ सेक्शन बी ब्रोट टू नोटिस किसके द्वारा डिस्प्यूटेड रिसिव्ड और ई मेल्स जो प्राप्त की जाती है उनको ध्यान में लाया जाना चाहिए तो किसके द्वारा लाया जाना चाहिए अंडर सेक्रेटरी टू होम शुड बी डिस्प्यूटेड रिसिव्ड और ई मेल्स रिसिव्ड बाय अ सेक्शन बी ब्रोट टू नोटिस किसके अंडर सेक्रेटरी किसके अंडर सेक्रेटरी के ध्यान में लाया जाना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट टू लोकेट एंड कलेक्ट फाइल्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज टूल्स ऑफ नॉलेज किस तरह के जो नीचे दिए गए हैं टूल्स जो है रेफर्ड टू नॉलेज मैनेजमेंट एंड लोकेट एंड कलेक्ट फाइल मैनेज करेंगे मैनेजमेंट और लोकेट और कलेक्ट करेंगे फाइल को किस तरह के टूल्स जो हैं किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स प्रसीडिंग बुक्स और रेफरेंस फोल्डर स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स प्रसीडेंट बुक और रेफरेंस फोल्डर इन टूल्स के माध्यम से फाइल्स को लोकेट की किया जा सकता है तो स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स प्रेसिडेंट बुक और रेफरेंस फोल्डर फिर सुनेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट टू लोकेट एंड कलेक्ट फाइल किस तरह के टूल को नॉलेज मैनेजमेंट के रूप में दिखाया जा सकता है बताया जा सकता है टू लोकेट एंड कलेक्ट फाइल लोकेट करने के लिए फाइल को कलेक्ट करने के लिए स्टैंडिंग गार्ड फाइल्स प्रोसीडिंग बुक और रेफरेंस फोल्डर वट इज द मे नेम ऑफ फंक्शनरीज इन अ डिपार्टमेंट वट इज द मे नेम ऑफ फंक्शनरीज इन आ डिपार्टमेंट

इन एन ई फाइल कैन एन ऑफिसर से ड्यू डेट फॉर सबमिशन इन विच फील्ड किस फील्ड में इन एन ई फाइल कैन एन ऑफिसर से ड्यू डेट फॉर सबमिशन तो ये होता है इन द सेट ड्यू डेट फील्ड 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 सेट ड्यू डेट वट एक्शन विल बी टेकन बाय सेक्शन ऑफिसर ऑन डॉक ऑन रूटीन केसेस वट एक्शन बी टेकन बाय सेक्शन ऑफिसर्स ऑन डाक ऑन रूटीन केसेस रूटीन केसेज पे सेक्शन ऑफिसर्स द्वारा डाक पे किस तरह के एक्शन दिए जाते हैं तो किस तरह के एक्शन है डिस्पोज ऑफ बाई हिमसेल्फ उनको डिस्पोज ऑफ करना उनका निपटारा करना डिस्पोज ऑफ बाई हिमसेल्फ विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिफाइंस अ फाइल फाइल को क्या डिफाइन करेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोनों विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ फाइल अ फाइल को क्या डिफाइन करेगा अ फोल्डर कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड पेपर ऑन अ सब्जेक्ट विद वन और मोर पार्ट बिल्कुल ठीक है कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्सन ये भी ठीक है नोट्स पोर्सन ये भी ठीक है तो एनी वन ऑफ ऑल ऑफ एनी वन और ऑल ऑफ दंसर बन गया लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइनस अ फाइल एक फाइल को क्या चीज़ डिफाइन करती है अब फाइल का मीनिंग भी आ सकता है ठीक है तो अ फोल्डर कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड पेपर एक फोल्डर जिसमें किसी कार्य से संबंधित पेपर और ऑन अ सब्जेक्ट विद वन और मोर पार्ट्स ठीक है कोरस्पॉन्डेंस पोर्शन नोट्स पोर्शन तो ये फाइल का मीनिंग है फाइल को डिफाइन करता है और एनी वन ऊपर दिए गए है, फाइल का मीनिंग ऊपर वालों में से भी हो सकता है या सारे भी हो सकता है वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल नंबर सिस्टम बहुत जरूरी क्वेश्चन है वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल नंबर सिस्टम्स फाइल नंबर सिस्टम के अलग अलग काइंड क्या है क्या है अलग अलग काइंड तो फंक्शन फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम भी है कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम दोनों है भाई एक तो फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम होता है और एक पारंपरिक कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम तो आंसर हो गया सी बोथ ए एंड बी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल नंबर सिस्टम्स फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम कन्वेंशनल फाइल नंबर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ फाइल कौन सी चीज़ जो है वो फाइल का पार्ट नहीं बनाती ऊपर अभी किया था ना क्वेश्चन तो कौन सी चीज़ है भाई वो वो फाइल का जो है पार्ट नहीं बनती वो कौन सी चीज़ है वो है आपकी कोरस्पोंडेंस पोर्शन कोरस्पोंडेंस पोर्शन जो है वो अपने आप में फाइल बनती है लेकिन पार्ट नहीं बनती क्या क्या बनती है नोट्स पोर्शन बनता है सब्जेक्ट पोर्शन बनता है और रेफरेंस बनती है रेफरेंस नोट्स पोर्शन और सब्जेक्ट पोर्शन रेफरेंसेज नोट्स पोर्शन और सब्जेक्ट पोर्शन तो फाइल का पार्ट बनते हैं लेकिन कॉरस्पोंडेंस पोर्शन जो है वो अपने आप में एक फाइल है जैसे ऊपर एक बार फिर से देखेंगे ऊपर एक बार फिर देखेंगे ये रहा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ फाइल तो ये रहा कॉरसपॉन्डेंस पोर्शन जो है वो फाइल को डिफाइन करता है ना कि पार्ट ऑफ अ फाइल ठीक है पार्ट ऑफ अ फाइल नहीं फाइल को डिफाइन करता है ये तो विच ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ फाइल फाइल के पार्ट को कौन फॉर्म नहीं करता कोरस्पोंडेंस पोर्सन फिलिंग ऑफ पेपर्स आर डन पेपर्स को फिल करना कैसे होता है फिलिंग ऑफ पेपर्स आर डन फिलिंग ऑफ पेपर्स आर डन वो है क्रॉनिकल ऑर्डर क्रॉनिकल ऑर्डर में होता है क्रॉनिकल ऑर्डर होता है ना पेपर्स को क्रॉनिकल ऑर्डर में फिल किया जाता है तो फिलिंग ऑफ पेपर्स आर डन इन क्रॉनिकल ऑर्डर वट डज़ वट डज़ द टर्म पी यू सी पी यू सी की फुल फॉर्म क्या है यूज्ड फॉर फ्लैगिंग अ पेपर इन अ फाइल स्टैंड फॉर वट डज द टर्म पी यू सी यूज फॉर फ्लैगिंग अब आपने दो चीज़ें याद हो गई यहाँ एक तो पी यू सी को यूज़ किया जाता है फ्लैगिंग अ पेपर इन फाइल स्टैंड फॉर फ्लैगिंग अ पेपर इन अ फाइल स्टैंड सॉरी फ्लैगिंग अ पेपर इन अ फाइल वो क्या चीज़ है वो पी यू सी है और पी यू सी का मीनिंग क्या है पीयूसी का मीनिंग क्या है तो पीयूसी का मीनिंग है पेपर अंडर कंसिडरेशन पेपर अंडर कंसिडरेशन पेपर अंडर कंसिडरेशन तो फुल फॉर्म होगी पीयूसी। और पीयूसी का कार्य है फ्लैगिंग अ पेपर इन अ फाइल फ्लैगिंग अ पेपर इन अ फाइल पीयूसी की फुल फॉर्म पेपर अंडर कंसिडरेशन व्हाट डज द कॉरस्पोंडेंस पोर्शन ऑफ अ फाइल कंटेन कोरस्पॉन्डेंस पोर्सन जो होता है फाइल का वो उसमें क्या चीज होती है वट डज द कोरोस्पॉेंस पोर्सन ऑफ अ फाइल कंटेन फाइल के कोरस्पॉन्डेंस पोर्सन में क्या चीज होती है इट कंटेंस ऑल इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशन दैट आर इनपुट टू टेक डिसीजन दैट आर इनपुट्स टू टेक डिसीजन कंटेंस ऑल इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशन जो कॉरस्पॉन्डिंग पोर्शन फाइल की होती है इट कंटेन्स ऑल इनकमिंग रिटर्न कम्युनिकेशन दैट आर इनपुट्स टू टेक डिसीजन वट डज द नोट पोर्शन ऑफ अ फाइल कंटेन नोट पोर्शन ऑफ अ फाइल में क्या आता है वट डज़ द नोट पोर्शन ऑफ अ फाइल कंटेन इट कंटेन्स द प्रोसेस सीट्स सीट ऑन हाउ द डिसीजन टेकन इन केस नोट पोर्शन जो होता है एक फाइल में क्या रखता है इट कंटेन्स द प्रोसेस सीट ऑन हाउ द डिसीजन वॉज टेकन इन केस कि कैसे डिसीज़न इस केस में लिया गया वट आर द टू फाइल नंबरिंग सिस्टम इन यूज़ इन द सेक्रेटरीट वट आर द टू फाइल नंबर सिस्टम इन यूज इन द सेक्रेटरीट वो है फंक्शनल एंड सब्जेक्ट क्लासीफाइड फाइल नंबर सिस्टम फंक्शनल एंड सब्जेक्ट क्लासिफाइड फ़ाइल नंबर सिस्टम दो तरह के सेक्रेट्रिएट सेक्रेट्रीट में दो तरह के फाइल नंबर सिस्टम होते हैं ना एक तो फंक्शनल और एक सब्जेक्ट क्लासिफाइड फाइल नंबर सिस्टम आइडेंटिफाई द टर्म गिवन बिलो विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शनल फाइल नंबर सिस्टम कोड आइडेंटिफाइड द टर्म गिवन बिलो उस टर्म को पहचानिए जो नीचे दी गई है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शनल फाइल फंक्शनल फाइल का पार्ट नहीं है फाइल नंबर सिस्टम कोड का वो क्या है वो है आपकी सब्जेक्ट एड सब्जेक्ट ऐड सब्जेक्ट ऐड एक टर्म है जो नीचे दी गई है वो पार्ट नहीं है फंक्शनल फाइन नंबर सिस्टम कोड का सब्जेक्ट हैड क्या क्या पार्ट है भाई बेसिक हेड प्राइमरी हेड और ट्री हेड टर् ट्रियरी हैड है प्राइमरी हेड है और बेसिक बेसिकड है लेकिन सब्जेक्ट हैड नहीं है

फाइल नंबर सिस्टम को फॉर फंक्शन जो कार्य करता है कॉमन टू ऑल मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट सभी मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट के लिए काम करता है कौन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गरीवेंसिस आइडेंटिफाई द इंस्टेंस फॉर विच अ फाइल नीड नोट बी ओपन उस उदाहरण को बताइए आइडेंटिफाई द इंस्टेंस उस उदाहरण को उस एग्जाम्पल को उस एस्टेंस को पहचानिए फॉर विच जिसमें कि अ फाइल नीड नॉट बी ओपन जिसमें फाइल को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती फाइल को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती रिसिप्ट ऑफ अ प्योरली रूटीन नेचर जिसके रिसिप्ट ऑफ प्योरली रूटीन नेचर की वेयर इट इज़ अनलाइकली टू जनरेट फर्दर कॉरस्पोंडेंस जिसको इसको आगे भेजा जाना है तो उस आगे भेजा जाना है तो आप उसको खोल नहीं सकते रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट विच कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ स्ट्रेट वे बाय नोटिंग द रिप्लाई ऑन द सोर्स रिसिप्ट वो रिसिप्ट जिनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है तत्काल बाय नोटिंग द रिप्लाई ऑन द सोर्स रिसिप्ट तो आइडेंटिफाई इंस्टेंट्स फॉर विच आ फाइल नीड नोट बी ओपन उस फाइल को खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती वो क्या है रिसिप्ट ऑफ अ प्योरली रूटीन नेचर वेयर इट इज अनलाइकली टू जनरेट फर्दर या रिसिप्ट विच कैन बी डिस्पोज ऑफ स्ट्रेट वे बाई नोटिंग द रिप्लाई ऑन द सोर्स रिसिप्ट तो उसको आप नीड नोट बी ओपन उसको खोलने की जरूरत नहीं है तो आंसर हो गया ऑल द अबाउट वट इज अ फाइल रजिस्टर वट इज़ अ फाइल रजिस्टर एक फ़ाइल रजिस्टर क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई वट इज़ अ फाइल रजिस्टर अ रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर फाइल रजिस्टर क्या है रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान रिकॉर्ड रखना फाइल्स का जो खोली गई है फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स ओपन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर उसको बोलते हैं फ़ाइल रजिस्टर उसको क्या बोलते हैं फाइल रजिस्टर हाउ शुड द नोट पोर्सन हाओ शुड द नोट पोर्सन एंड कॉरस्पोंडेंस पोर्सन ऑफ अ फाइल भी नंबर्ड नोट पोर्सन एंड कॉरस्पोंडेंस पोर्सन ऑफ अ फाइल बी नंबर्ड कैसे नंबर्ड दिया जाता है द नोट्स पोर्सन एंड कॉरस्पोंडेंस पोर्सन आर टू भी नंबर्ड सेपरेटली नोट्स पोर्सन और कॉरस्पोंडेंट पोर्सन में अलग अलग नंबर दिया जाता है तो इसको बोलेंगे सेपरेटली 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 अलग से वट एक्सन कैन बी टेकन वट एक्शन कैन बी टेकन इफ रिसिप्ट कंटेन बुल्क की एनक्लोजर किस तरह के एक्शन लिया जाना चाहिए यदि रिसिप्ट भारी बरकम बहुत ज्यादा मिलती है बुल्क की एनक्लोजर में तो किस तरह का एक्शन लिया जाएगा टू बी फिल्ड एज अपेंडिक्स टू कोरस्पोंडेंस पोर्सन विद ड्यू इंडिकेशन इन द ओरिजिनल लेटर टू बी फिल्ड टू बी फाइल्ड सॉरी टू बी फाइल्ड एज अपेंडिक्स उस बुल्की एनक्लोजर को बुल्की एल्क्लोजर को टू बी फाइल्ड एज अपेंडिक्स टू कॉरस्पोंडेंस पोर्सन विद ड्यू इंडिकेशन इन ओरिजिनल लेटर वट इज़ द पेज लिमिट इंडिकेटेड इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ बुल्की फाइल भाई बहुत बड़ी फाइल ला सकते हो आप तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कोई पेज लिमिट भी तो होगी तो वो पेज लिमिट क्या है पेज लिमिट है आपकी वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड पेज हो सकते हैं एक फाइल में वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड एक सौ पचास से दो सौ पेज पेपर फ्लैगड एज पीयूसी अभी ऊपर किया था ना पीयूसी को क्या कहते हैं पेपर फ्लैग्ड और पीयूसी की फुल फॉर्म भी आई थी एंड एफ आर इंडिकेट तो एफ आर और पीयूसी किस चीज़ को इंडिकेट करती है पेपर अंडर कंसिडरेशन तो पीयूसी की फॉर्म हो गई और एफ आर की फुल फॉर्म हो गई फ्रेश रिसिप्ट फ्रेश रिसिप्ट तो पीयूसी पेपर अंडर कंसीडरेशन और फ्रेस रिसिप्ट फ्रेस रिसिप्ट एफ आर की फुल फॉर्म हुई फ्रेस रिसिप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन डोकेटिंग क्या चीज है जो डिफाइन करती है डोकेटिंग कोई भी नई टर्म है देखना इसका मीनिंग यह भी आ सकता है क्वेश्चन डोकेटिंग मेकिंग एंट्रीज इन द नोट पोर्सन ऑफ अ फाइल मेकिंग एंट्रीज इन द नोट्स पोर्सन ऑफ अ फाइल अबाउट द सीरियल नंबर असाइन टू ईच आइटम ऑफ कॉरस्पोंडेंस फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन तो डोकेटिंग क्या है भाई डोकेटिंग है डोकेटिंग इज मेकिंग एंट्रीज इन द नोट्स पोर्सन जिससे कि एंट्रीज की जाती है नोट्स पोर्सन में ऑफ अ फाइल के अबाउट द सीरियल नंबर के बारे में असाइन टू ईच आइटम जो हर आइटम को असाइन किया जाता है सीरियल नंबर ऑफ कॉरस्पोंडेंस फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन इसकी पहचान के लिए उसको बोलते हैं डोकेटिंग 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 मेकिंग एंट्रीज इन द नोट पोर्सन ऑफ अ फाइल अबाउट दीरियल नंबर असाइनिंग टू ईचट ऑफ कॉरपोन्डेंस फॉर इट्स क्लासिफिकेशन वेन इज अ पार्ट फाइल ओपन पार्ट फाइल जो है कब ओपन की जाती है वैन इज अ पार्ट फाइल ओपन वैन द मेन फाइल इज नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर सम टाइम इट इज़ नेसेसरी टू प्रोसेस आ फ्रेश रिसिप्ट पार्ट फाइल को कब खोला जाता है वैन द मेन फाइल इज नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल जब मेन फाइल अवेलेबल ना हो फॉर समाइम आफ्टर इट इज नेसेसरी एंड एंड इट इज नेसेसरी टू प्रोसेस अ फ्रेश रिसिप्ट और ये जरूरी हो फ्रेश रिसिप्ट को प्रोसेस करने के लिए तो पार्ट फाइल को ओपन किया जाता है वट इज द डिफरेंस बिटवीन ई फाइल एंड मैनुअल फाइलिंग विद रिगार्ड टू ओपनिंग अ पार्ट फाइल डिफरेंस क्या है ई e फाइल में और मैनुअल फाइल में विद रिगार्ड टू ओपनिंग अ पार्ट फाइल पार्ट फाइल के संदर्भ में पार्ट फाइल के लिए अनलाइक द मर्जर ऑफ फिजिकल फाइल्स एंड ई फाइल पार्ट फाइल इज अटैच एज अ सेपरेट एंटिटी एंड रिस्पेक्टिवली पार्ट फाइल्स आर क्लोज सब्सिक्वेंटली ई फाइल और पार्ट फाइल इज इन ई फाइल पार्ट फाइल इज नॉट क्रिएटेड ई फाइल में पार्ट फाइल नहीं क्रिएट की जाती वेयर एज इन फिजिकल फाइल पार्ट फाइल इज ओपन फिजिकल फाइल में तो पार्ट फाइल खोल खोली जाती है टू प्रोसेस अ फ्रेश ये ये रोंग है तो क्वेश्चन क्या है एक बार फिर सुनेंगे थोड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा है मुझे वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ई फाइल एंड मैनुअल फाइलिंग डिफरेंस क्या है ई e फाइल में और मैनुअल फाइलिंग में विद रिगार्ड टू ओपनिंग अ पार्ट फाइल अनलाइक द मर्जर ऑफ फिजिकल फाइल्स इन ई फाइल पार्ट फाइल इज अटैच एज अ से फाइल में पार्ट फाइल ई फाइल की बजाय पार्ट फाइल को अटैच किया जाता है अलग से एंड रिस्पेक्टिवली पार्ट फाइल आर क्लोज सब्सिक्वेंटली और इसी तरह से पार्ट फाइल को बंद कर दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन अ पार्ट फाइल पार्ट फाइल में क्या चीज़ें पाई जाती हैं तो रिसिप्ट एंड नोट्स रिलेटिंग टू टू रिसिप्ट एंड नोट्स रिलेटिंग टू और नोट्स पाए जाते हैं पार्ट फाइल में रिसिप्ट एंड नोट्स रिसिप्ट एंड नोट्स वट एक्शन विल बी टेकन अ फाइल इज मिसप्लेस्ड जब कोई फाइल मिसप्लेस हो जाती है तो किस तरह का एक्शन उठाया जाता है किस तरह का एक्शन लिया जाता है द फाइल विल बी रिकंस्ट्रक्टेड फिर से बनाई जाती है भाई वट एक्शन विल बी टेकन वैन आ फाइल इज मिसप्लेस्ड अ फाइल विल बी रीकंस्ट्रक्टेड फिर से बनाया जाता है कंस्ट्रक्ट किया जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द ग्रेडिंग नोट यूज एज एन अर्जेंसी ग्रेडिंग जो नीचे ग्रेडिंग दी गई है विच इज़ द ग्रेडिंग नोट यूज एज एन अर्जेंसी ग्रेडिंग अर्जेंसी ग्रेडिंग में नहीं आती तो वो क्या आती है वो सीक्रेट सीक्रेट नहीं आती सीक्रेट अर्जेंसी में नहीं आती मोस्ट इमीडिएट अर्जेंसी में आती है टॉप प्रायोरिटी अर्जेंसी में आती है आउट टूडे आज ही आनी चाहिए ये आज ही आउट होना चाहिए इसको लेकिन सीक्रेट फाइल जो होती है वो अर्जेंसी में नहीं आती तो अर्जेंसी में क्या नहीं आती सीक्रेट फाइल ठीक है सीक्रेट ग्रेडिंग फाइल नहीं मोस्ट इमीडिएट टॉप प्रायोरिटी और आउट टुडे आती है स्टेट द कंडीशन स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ करंट फाइल विल बी इशूड टू अदर सेक्शन उस कंडीशन को बताइए अंडर विच अ करंट फाइल विल बी इशूड टू अदर सेक्शन व्हेन और रिटर्न रिक्वेजिशन इज गिवन एंड आफ्टर मेकिंग एंट्री इन द फाइल मोमेंट रजिस्टर जब रिटर्न रिक्वेजिशन दी जाती है एंड आफ्टर मेकिंग एंट्री इन द फाइल मूवमेंट रजिस्टर आफ्टर मेकिंग एंट्री इन द फाइल मूवमेंट रजिस्टर वट डज़ द टर्म नोट मीन जो टर्म है नोट एन ओ टी ई एन ओ टी ई टर्म है इसका क्या मतलब है अ नोट इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ नोट इज अज रिमार्क्स रिकॉर्डिड ऑन अ केस नोट जो है रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन अ केस टू फैसिलिटेट इट्स टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल एंड इंक्लूड्स आइज ऑफ प्रीवियस पेपर एनालाइज ऑफ इशूज सजेसन्स एंड फाइनल डिसीजन नोट इज़ अ रि नोट इज अ नोट इज रिमार्क्स नोट का मतलब क्या है नोट एक रिमार्क है रिकॉर्डेड ऑन अ केस टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल एंड इंक्लूड्स अ प्रिसाइज ऑफ प्रीवियस पेपर प्रिसाइज स्पष्ट रूप से प्रीवियस पेपर्स को भी इंक्लूड किया जाता है एनालाइज किया जाता है ऑफ इशूज इशूज का विश्लेषण किया जाता है सजेशन दिए जाते हैं और अंत में उस पर डिसीजन दिया जाता है उसको बोलते हैं नोट वैन एन ऑफिसर पासिज ऑर्डर्स बेस्ड ऑन नोटिंग्स इफ़ ही डिफर्स फ्रॉम द व्यूज ऑफ प्रिवियस नोटिंग ही कैन टेक अ डिफरेंट डिशीज़न बाय जब एक ऑफिसर जो है पास करता ऑर्डर्स बेसिंग बेस्ड ऑन नोटिंग इफ़ ही डिफर्स फ्रॉम द व्यूज ऑफ previous नोटिंग ही कैन टेक अ डिफरेंट डिसीज़न बाय different decision वो ले सकता है कैसे कैसे ले सकता है गिवि रीजन फॉर द डिसीजन रीजन दे के भाई ये डिसीजन मैंने लिया ना तो इसका रीजन ये है इसका कारण ये है तो गिविंग रीजन फॉर द डिसीजन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन गाइडलाइंस ऑन नोटिंग हुज अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेज गाइडलाइन ऑन नोटिंग हुज अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेज इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेज पे किसकी गाइडलाइन जरूरी है एन ऑफिसर नोट बिलो द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और द लेवल स्पेसिडि नोडल मिनिस्ट्री वो ऑफिसर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल से नीचे ना हो या नोडल मिनिस्ट्री ने उसको स्पेसिफाई किया हो वो क्या है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑन नोटिंग हुज अप्रूवल इज नेसेसरी फॉर इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसिज इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेज के लिए किसकी गाइडलाइन जरूरी है किसकी अप्रूवल जरूरी है तो एन ऑफिसर नोट बिलो द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और द लेवल स्पेसिफाइड बाय द नोडल मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑन नोटिंग अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑन नोटिंग ऑल नोट्स सेल बी रिकॉर्डेड ऑन वट काइंड ऑफ पेपर नोटिंग की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सारे नोट्स जो है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा किस तरह के पेपर पे ग्रीन सीट पे इस तरह के पेपर पे ग्रीन सीट ऑल नोट सेल रिकॉर्डेड ऑन वट काइंड ऑफ पेपर ग्रीन सीट ध्यान रख लेना ग्रीन सीट ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर सेल यूज विच कलर इंक फॉर नोटिंग ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स स्टाफ की हर कैटेगरी और ऑफिसर्स की सेल यूज विच कलर इंक फॉर नोटिंग नोटिंग के लिए किस तरह की कि इंक का यूज किया जाता है ब्लैक और ब्लू ये भी क्वेश्चन आएगा भाई ये ध्यान रख लेना ब्लैक और ब्लू या तो ब्लैक इंक या ब्लू इंक ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ और ऑफिसर सेल यूज विच कलर इंक फॉर नोटिंग नोटिंग के लिए किस तरह का कलर और इंक यूज की जाती है भाई ब्लैक और ब्लू और गाइडलाइन ऑन नोटिंग अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑन नोटिंग ऑल नोट सेल बी रिकॉर्डिंग ऑन वट काइंड ऑफ पेपर किस तरह के पेपर पे ग्रीन शीट पे और इंक किस तरह की कि यूज होगी भाई ब्लैक और ब्लू विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एंड रिस्पेक्ट टू नोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नोट्स नोट्स के संदर्भ में करेक्ट क्या है करेक्ट क्या है नोट्स के संदर्भ में करेक्ट है नोट्स शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड इफ इट इज हाफ अ पेज और मोर यदि हाफ पेज है या इससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड होने चाहिए हैंड रिटन नोट्स शुड बी अवॉइडेड हैंड रिटन नोट्स को अवॉइड किया जाना चाहिए नोट्स आर टू बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नोट शीट नोट शीट के दोनों साइड नोट को प्रिंट किया जाना चाहिए ये नहीं कि आप एक ही साइड प्रिंट करा दोगे तो आंसर हो गया ऑल द अबाउ तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नोट्स नोट्स के संदर्भ में तो नोट्स शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड इफ इट इज़ हाफ पेज और मोर मोर हाफ पेज या इससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटेड होता है इससे कम है तो हैंड रिटन चल सकता है हैंड रिटन नोट्स शुड बी अवॉइडिड हैंड रिटन नोट्स को अवॉइड किया जाना चाहिए नोट्स आर टू बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नोट शीट नोट सीट की दोनों तरफ को नोट्स को प्रिंट uh, किया जाना चाहिए वट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड नोट बी हैंडल्ड थ्रू ई ऑफिस ई ऑफिस के थ्रू किस तरह की इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं किया जाना चाहिए किस तरह की ई ऑफिस के थ्रू किस तरह की इन्फॉर्मेशन को हैंडल नहीं किया जाना चाहिए वो होती है क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को ई ऑफिस के थ्रू हैंडल नहीं किया जाना चाहिए क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन वट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी एस सी डी एस सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी डी एस सी की फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ये क्वेश्चन भी आएगा डी एस सी वट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी एस सी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डी एस सी की फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन आ ई फाइल वट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू प्रपेयर आ रफ नोट ई e फाइल में व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू प्रिपेयर अ रफ नोट व्हिच में देन बी कन्फर्म्ड एज ग्रीन नोट ई फाइल में व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू प्रिपेयर अ रफ नोट किस तरह का ऑप्शन अवेलेबल है रफ नोट के लिए व्हिच मे देन बी कन्फर्म्ड एज ग्रीन नोट जिसको कन्फर्म किया जा सकता है ग्रीन नोट तो वो होता है येलो नोट कैसा होता है येलो नोट फिर से सुनेंगे इन एन ई फाइल वट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू प्रिपेयर अ रफ नोट विच में देन बी कन्फर्म्ड एज अ ग्रीन नोट जिसको बाद में कन्फर्म किया जा सकता है ग्रीन नोट के लिए वो क्या है भाई वो येलो नोट वट इज वी पी एन यानी वी पी एन की फुल फॉर्म क्या है इन ई फाइल प्रोवाइडेड टू द ऑफिसर्स टू द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबाउ वी पी एन फॉर्म ऑफ वी पी एन वी पी एन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वर्चुअल विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर यूजिंग ई साइन ई साइन यूज करने के लिए जरूरी क्या चीज है मैंडेटरी है यूजिंग ई साइन ई साइन इंडिविजुअल्स मोबाइल नंबर शुड भी लिंक्ड टू आधार नंबर इंडिविजुअल का मोबाइल नंबर शुड भी लिंक्ड टू आधार कार्ड इंडिविजुअल्स मोबाइल नंबर शुड भी लिंक्ड टू आधार कार्ड तभी होंगे क्योंकि आधार कार्ड बहुत जरूरी है वट इज़ अ ड्राफ्ट कम्युनिकेशन पुट अप विदाउट एन इलेबोरेट नोट वट इज़ अ ड्राफ्ट कम्युनिकेशन पुट अप विदाउट एन इलेबोरेट नोट तो वो क्या है भाई वो है वैन द लाइन ऑफ एक्शन इज ऑब्वियस जब लाइन ऑफ एक्शन स्पष्ट हो वैन द लाइन ऑफ एक्शन इज बेस्ड ऑन अ क्लियर प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस वैन द लाइन ऑफ एक्शन हैज़ बीन इंडिकेटेड बाई अ हायर ऑफिसर तो एनी वन ऑफ द अबाउ वट इज अ ड्राफ्ट कम्युनिकेशन पुटअप विदाउट एन इलेबोरेट नोट ड्राफ्ट कम्युनिकेशन क्या है जो बिना इलेबोरेट किए हुए नोट के बिना पुटअप की जाती है तो ड्राफ्ट कम्युनिकेशन क्या है भाई वैन द लाइन ऑफ एक्शन इज ऑवियस लाइन ऑफ एक्शन स्पष्ट हो लाइन ऑफ एक्शन इज बेस्ड और अ क्लियर प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल साफ स्पष्ट कार्य पे हो वैन लाइन ऑफ एक्शन हैज़ बीन इंडिकेटेड बाई हायर ऑफिसर लाइन ऑफ एक्शन हायर ऑफिसर द्वारा इंडिकेट की गई हो तो तब ये होता है टू फैसीिटेट क्विकर डिसीजन मेकिंग चैनल्स ऑफ सबमिशन शुड नॉट भी मोर देन टू फैसीटेट क्विकर डिसीजन मेकिंग जल्दी से डिशीजन मेकिंग चैनल्स ऑफ सबमिशन शुड नॉट भी मोर दैन सबमिशन के चैनल कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए चार से ज्यादा सबमिशन ऑफ चैनल शुड नॉट बी मोर दैन फोर टू फैसीिटेट क्विक डिसीजन डिसीजन मेकिंग या चैनल ऑफ सबमिशन शुड नॉट बी मोर दैन फोर What is the purpose of filing a running summary? What is the purpose of filing, filling a running summary of facts in the correspondence side with date? Correspondence side with date to facilitate consideration and to obviate repeated recapitulation. To facilitate consideration and to obviate repeated. रिकेपिचुलेशन फिर से सुनेंगे वट इज द परपज ऑफ फीलिंग आ फाइलिंग आर रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स इन द कॉरपोडेंद डेट ये टू फैसिलिटेट कंसिडरेशन एंड टू ओविएट रिपीटेड रिकेपिचुलेशन वैन विल द इ फीमरल केसिज और नो नथिंग केसिज भी डिस्ट्रॉयड वैन वििल द ई फीमरल केसिज और नो नथिंग केसिज भी डिस्ट्रॉयड थर्टी फर्स्ट दिसम्बर एवरी ईयर हर वर्ष इकत्तीस दिसंबर तक वन विल द ई फीमरल केसेज और नो नथिंग केसेज भी डिस्ट्रॉयड नो नथिंग केसेज या ई फीमरल केसेज को कब तक ख़त्म कर दिया जाना चाहिए थर्टी फर्स्ट दिसंबर एवरी ईयर वेयर विल द ई फीमिरल केसेज और नो नथिंग केसेज भी कैप्टँ रखे जाएंगे ई फीमरल केसेज और नो नथिंग केसेज कहाँ रखे जाएंगे कहाँ रखे जाएँगे कहाँ रखे जाएंगे इन द ओ बंडल ओ बंडल में रखे जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर विल द इफिमिनल केसेज और नो नथिंग केसेज भी कैप्ट रखे जाएंगे इन द ओ बंडल ओ बंडल इन द ओ बंडल कहाँ रखे जाएंगे इन द ओ बंडल इन विच टाइप ऑफ केस इज़ अ डिटेल्ड नोट प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑन ईच अस्पेक्ट नेसेसरी इन विच टाइप ऑफ केस इज़ अ डिटेल्ड नोट प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑन ईच अस्पेक्ट नेसेसरी ऑन विच टाइप ऑफ केस किस तरह के केस में इज़ अ डिटेल्ड नोट प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन एक डिटेल्ड नोट जो प्रोवाइड करता है ऑल इंफॉर्मेशन ऑन ईच अस्पेक्ट नेसेसरी वो हर अस्पेक्ट पे वो जरूरी है किस में है वो वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग केस प्रॉब्लम सोल्विंग केस में प्रॉब्लम सोल्विंग केस में डिटेल्ड नोट प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑन ऑल एस्पेक्ट नेसेसरी होता है इस टाइप में प्रॉब्लम सॉल्विंग केस की टाइप में इन विच टाइप ऑफ केस इज अ डिटेल्ड नोट प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑन ईच एस्पेक्ट नेसेसरी और किस तरह का है प्रॉब्लम सॉल्विंग केस प्रॉब्लम सॉल्विंग केस विच आर द टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ केसिज दैट फिट इन अ स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट में किस टाइप के सीट विच आर द टाइप्स ऑफ केसेस कौन सी टाइप्स है केसेस की फिट इन अ स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट जो फिट है स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट में तो ये है भाई आपका रूटीन और रिपीटिटिव केसेस रूटीन और रिपीटेटिव केसेस रूटीन और रिपीटिटिव केसेस व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस इन अ प्रॉब्लम सोल्विंग केस क्रिटिकल एनालाइजिज क्या है प्रॉब्लम सोल्विंग केस में तो ये है एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव सोल्यूशन एंड अराइविंग एट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन एनालाइजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भाई अल्टरनेटिव सोल्यूशन उस एनालाइज करना एंड अराइविंग एट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन व्हाट इज़ पर्पस ऑफ एन इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स इंटर डिपार्टमेंटल नोट का पर्पज़ क्या है what is the purpose of an interdepartmental note it is used for updating the obtaining the advice views comments and concurrence of other departments on a proposal it is used for obtaining the advice views comments and, and कनक्रेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट ऑन अ प्रपोजल फिर से सुनेंगे वट इज़ द पर्पज ऑफ एन इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स इंटर डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंटल नोट्स का पर्पज़ क्या है इट इज़ यूज फॉर अपडेटिंग द एडवाइस इसका इस्तेमाल किया जाता है सलाह लेने के लिए व्यूज लेने के लिए कमेंट्स लेने के लिए और कंक्रेंस ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स ऑन अ प्रपोजल ठीक है तो फ्रेंड्स यदि वीडियो लाइक पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो शेयर कर सकते हो शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपकी ड्यूटी बनती है लगता है मेहनत की है आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं तो आप लर्न इंग्लिश ग्रामर विद ईश्वर मास्टर को प्रमोट कीजिए थैंक यू हैव डे नई वीडियो के लिए कल फिर मिलते हैं